शांति। आज 3 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मुरली में बाबा ने सही याद में रहने की विधि इस बात को स्पष्ट किया, अगर आप बाबा की याद में रहेंगे, एक्यूरेट याद होगी, तो चेहरा सदा चमकता होगा। और याद की बहुत सुंदर विधि बताई कि पहले अपने को सब देह के प्रपंच से, देह के संबंधों से, पदार्थों से सबसे डिटैच होकर आत्मा समझकर बैठो, बाकी सब पंचायत को भूल जाओ, बस याद करो मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। जब सब तरफ से बुद्धि को समेटकर एक बाप की याद में रहेंगे तो कट उतरती जाएगी, अशरीरी बन जाएंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा ने कहा यहाँ जब बैठते हो तो कोई कोई पूरा समय एक बाबा की याद में खोए रहते हैं, कोई 30 मिनट याद में रहते हैं, कोई 15 मिनट रहते हैं, कोई पूरा समय रहते हैं, हर एक की अवस्था से पता चल जाता है। और ये रेस करनी है कि हम हाथों से काम करते रहें, बुद्धि से बाबा को याद करते रहें। बहुत उमंग होना चाहिए कि आज हम भोजन पूरा समय बाबा की याद में ही बनाएंगे और खाएंगे। बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि हम कार्य करते हुए भी, ऑफिस में भी चेयर पर बैठे हुए बाबा की याद में खो जाएं, तब दूसरों को भी लगेगा कि याद में जैसे खोए हुए हैं, वातावरण भी बहुत शांत सुखद बन जाएगा। इस याद की सब्जेक्ट में जितना जितना आत्मा आगे बढ़ती है उतना पावन बनती जाती है। याद एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि आप एक बाबा को अपना संसार बनाओ। संसार में क्या है? व्यक्ति और वैभव। जो समझते हैं बाबा की संपत्ति सो मेरी संपत्ति, वो स्वतः ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने बाबा को अपना संसार बनाया, फिर उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आज हम चलते फिरते अंतःकरण से ये अभ्यास करते रहेंगे, बाबा ही संसार है, एक की याद में खो जाना है, एक माशुक की याद में इतना खो जाएं कि हम स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन जाएं, दूसरों को भी लाइट माइट देने लग जाएं। ऐसे बच्चे जो याद में रहते हैं वही दूसरों को बाबा की याद दिला सकते हैं। बाबा के स्वरूप को देखते हुए अभ्यास करते रहेंगे, बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। क्वेश्चन है, याद में बैठने की विधि कौन सी है और उससे लाभ क्या क्या होता है? जब बाबा को याद करते हैं तो उसकी सही विधि क्या है और उससे क्या क्या लाभ होता है? जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धोरी की पंचायत को भूल अपने को देही समझो, आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह विमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहो, ये है अशरीरी अवस्था। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहो, ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी, जो भी आत्मा पे जंक लगी हुई है वो उतरती जाएगी। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते, कुछ कर रहे हैं। क्या करते हैं? जब योग करते हैं तो सिर्फ शांति में नहीं बैठते लेकिन कुछ कर रहे होते हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं। परंतु यात्रा पर भी हो, ये यात्रा सिखाने वाला बाप
साथ में भी ले जाते हैं। वो होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं, तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी, गुरु आकर प्रवचन सुनाएंगे। जब इंतज़ार कर रहे होते हैं तो यही सोचते हैं गुरु जी आएंगे प्रवचन सुनाएंगे। वो है सार भक्ति मार्ग का, वहाँ पर होता है सारा ही भक्ति मार्ग। ये याद की यात्रा है जिससे भी कर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंग अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ, मैं किसी की याद से नहीं आता, मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पति दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप है उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए समझाया, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं, ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें याद की यात्रा सिखाते हैं। जब हम बाबा के बनते हैं तो स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें याद की यात्रा सिखाते खाद निकालने के लिए। ये रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए, इसमें कोई देरी नहीं लगती। अब है भी बरोबर कलयुग, वो सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, बाबा कहते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाबा कहते तुम्हें इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना है। सुबह जब बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे धोरे की तरफ बुद्धि योग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है, धंधे धोरी में बुद्धि जाना, यहाँ वहाँ बुद्धि भटकना, ये सब माया के तूफान है। बाबा कहते तो माया की ही पंचायत है, बाहर की पंचायत है। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है, देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती, सारी हप करनी है देह सहित, अकेला देही बनना है, सबको भूलकर देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, सब चीज़ों को भुला देना है, अकेला देही बन जाना है। देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मिक स्वरूप में टिक जाना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुए मर गई दुनिया, ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि दुनिया खत्म होनी है। बाबा समझाते जिसका मुख नहीं खुलता तो सिर्फ याद करो, जैसे ये बाप को याद करता है ना, ब्रह्मा शिव बाबा को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती। ये तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते, सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद में है, तो बाबा को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता। इस समय गुरु बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उन्हें गुरु कह देते हैं, यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। ये राजयोग किसको सिखाना आएगा ही नहीं सिवाय परमात्मा के, जो योग बाबा सिखाते हैं और किसी को आएगा ही नहीं। परमात्मा ने आके राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ किसी को पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियाँ भी गीता कंठ कर लेती हैं, कुछ ना कुछ महिमा होती है, गीता कोई गुम नहीं हुई, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं, गीता ज्ञान से ही बाबा सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तुम्हारी काया कल्प तरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाप का आह्वान नहीं करते, तुम बाप की याद में रहकर उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए, बाबा को याद करते हैं साथ रखते हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं,
कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। कार्य करते करते भी बाबा कहते अभ्यास करते रहो बाबा को याद करने का। ऑफिसर आकर देखते हैं, ये बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती, किसकी खुली रहती। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे से होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मोज में बैठा है। कितनी सुंदर अवस्था है, बैठे हैं, बुद्धियोग बाबा ने ऊपर खींच लिया, देह को भूल गए, दुनिया को भूल गए, सब तरफ से डिटैच हो गए। तो उनका किसी की तो आंखें उसमें बंद हो जाती हैं, किसी की खुली रहती हैं। कोई ऐसे भी बैठा होगा जैसे कि कुछ देख ही नहीं रहा, जैसे कि गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाबा की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है हमें जाना है बाबा के पास। बाबा कहते सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। सोल कॉन्शियस होने से बाबा के पास आ जाएंगे, वहाँ पवित्र होने बिगर थोड़े जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वो बाप ही बता सकते, मनुष्य नहीं बता सकता। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुम्हें कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। किसी का कल्याण करने का, बाबा का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह के याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई। बाबा तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो कहते तुम तो बेसमझ हो, एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते तुम्हें क्या बनाया था और अब अपनी चलन देखो। बाबा ने तुम्हें देवी देवता बना के भेजा था और अब देखो क्या बन गए। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है, भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वे अपने को ऐसे समझते नहीं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमोप्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। ये ज्ञान कोई में है नहीं, ये बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया, 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना ही है। ये बात किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे और अब नरकवासी बन गए। 84 जन्म भी तुमने लिए, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए वो भी बाबा ने समझाया। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। जो शूद्र बन गए उन्हें देवता बनाने के लिए बाबा को पढ़ाना होता। बाप को लिबरेटर गाइड कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। अब वो समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, देखो क्या से क्या बन गए, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं, किसी को भी स्वप्न में नहीं था कि हम ऐसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते, अब बाबा से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें मालूम है पादरी लोग पैदल करने जाते हैं कितना साइलेंस में चलते हैं, वो क्राइस्ट की याद में रहते, उनका क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम पिता परमात्मा के साथ। इस समय आपकी प्रीत है परमात्मा के साथ, बच्चे जानते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले माफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते, फिर भी ग्रहचारी ऐसे बैठ जाती जो श्रीमत पर चलते नहीं। जिन पे ग्रहचारी बैठ जाती है वो श्रीमत पर चलते नहीं। जानते हो श्रीमत पर चलने में विजय है, निश्चय में विजय है। श्रीमत पर चलेंगे तो विजय, निश्चय में विजय। बाबा कहते तुम मेरी मत पे चलो, क्यों समझते हो कि ब्रह्मा मत देते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। वो तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कहेंगे इन बातों के लिए मत नहीं देंगे, मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए।
मैं पतित को पावन बनाने आया हूँ, ना कि आपके धंधे की जानकारी देने। मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो मैं युक्ति बताता हूँ, बहुत सहज। तुम्हारा नाम है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार, बाण आदि दिखा दिए, परंतु इसमें बाण आदि की तो कोई बात ही नहीं। ये सब भक्ति मार्ग, बाबा आकर सच्चा मार्ग बताते, जिससे आधा कल्प तुम सच खंड में चले जाते हो। बाबा सच्चा मार्ग बताते, जिससे आधा कल्प के लिए तुम सच खंड में चले जाते। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं, किसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि कैसे हो सकता कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, धर्म कर्म को भूल गए। देवी देवता धर्म का अपने को समझते हो तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वो गुण नहीं। अगर कोई समझते हम देव कुल के हैं तो वो गंदी चीजें ना खाते, खाते हैं क्योंकि वो गुण नहीं, इसलिए अपने को हिंदू कह देते। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए, परंतु अपने धर्म को भूल गए। अब तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए। अब इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को आप अच्छी रीति समझ गए। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं, बस नहीं तो मुफ्त में मूंज पढ़ते। बोलो, हम पढ़ रहे हैं सब कुछ अभी ही जाने के लिए, फिर तो विनाश ही हो जाए। सब कुछ अभी ही जान लें, अभी समझ जाएं तो फिर विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते हैं परमात्मा कहीं जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का ही है, बाप लिबरेटर गाइड है तो वापिस ले जाएंगे मच्छरों सदृश। बाबा ही लिबरेटर है, गाइड है, वापिस ले जाएंगे मच्छरों सदृश। ये भी जानते हैं सब एक रस याद में नहीं बैठते, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट। किसी का सही योग रहता है, किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता होगा। जो याद में रहेंगे वो खुशनुमा होंगे, चेहरा चमकता हुआ होगा, अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं, वो सुख फील करते होंगे। बुद्धि कहती एक माशुक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, जब बैठे एक की यादों में खो जाए ऐसा माशुक कि उस जैसा कोई और नहीं, अगर उसी की याद में रहें तो कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी याद की यात्रा से, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, चक्र भी याद आ जाता। सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बुद्धि में चक्र फिरता रहेगा। अब तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र भी फिराना है, बाबा को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्र भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का, वो भी समझाना पड़े। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। आप मुक्ति परम धाम का, जीवन मुक्ति स्वर्ग का रास्ता बताते हो, इसलिए स्पिरिचुअल लाइट हाउस हो। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता, नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े, बाबा समझाते रहते। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है, सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है। फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर है मुरली। सबसे पहले तो वहाँ बैठ के सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। नहीं तो पहले समय की बाबा बात कर रहे हैं, उन दिनों रिकॉर्डिंग होती थी तो टेप रिकॉर्ड भी एज इट इज, जिस बात को बाबा ने जैसा कहा, भाव अभिव्यक्ति, वो सब सुन पाते। और फिर थर्ड है मुरली पढ़ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यहाँ समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये ना समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं, जो हमारे सामने सम्मुख पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा निराकार बाबा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं,
अगर ये बात बुद्धि में रहेगी तो हर बात को फॉलो करेंगे। जब शिव बाबा को भूल जाते हैं तो फिर बाबा कहते अवज्ञाएं करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वो कल्याण कर ही है, भले अकल्याण हो जाए वो भी कल्याण रूप में बदल जाएगा। जब बुद्धि में पक्का है बाबा कहते हैं तो अकल्याण भी कल्याण में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। पहली पॉइंट है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में भोजन बनाना और खाना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाबा को अपना संसार समझते हैं। जिनका बाबा ही संसार है वो अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देगा। ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि और कोई दिखाई नहीं देगा, उस बाबा दिखाई देगा, क्योंकि बाबा ही संसार है। बाबा को अपना संसार बनाना अर्थात सर्व संबंध एक बाप से होना। स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। अपनी पावरफुल स्थिति बनानी है तो एकांत और रमणीकता, एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना है, साथ साथ रमणीक भी बनना है। ऐसा ना हो कि दूसरों को लगे कि अब तो आप नीरस बन गए, उनसे बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं, मुस्कुराना ही भूल गए। नहीं, रमणीकता भी होनी चाहिए, एकांत भी, दोनों का संतुलन हो तो पावरफुल स्थिति बन जाएगी। आज हम अभ्यास करेंगे, बाबा ही संसार है। बहुत सुंदर संसार संगम पर हमें प्राप्त हुआ है, एक ऐसा संसार जो इस संसार से भिन्न है, एक ऐसा संसार जिसे पाने के बाद कोई और तमन्ना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, एक ऐसा संसार जो सबसे न्यारा प्यारा है, जो विश्व में सबसे अधिक सुंदर है, सबसे मीठा है, सबसे प्यारा है, उस संसार को तीसरे नेत्र से देखें। सारे प्रपंच भूलकर, देह के संबंधों को भी भूलकर, पदार्थों को भी भूलकर बाबा पर एकाग्र हो जाएं। हृदय की धड़कनों से आवाज आए, बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार है। मैं संसार को पाकर बहुत खुश हूं। ओम शांति।
जगालो विवेक सारे जग का करण धार हो।